आईपीएल 2021 फिर से शुरू होने वाला है। आईपीएल 2021 सितंबर के महीने से फिर से हम सभी को एक्शन में नजर आने वाले हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े सुपरस्टार हम सभी को नजर आने वाले हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की प्लेइंग 11, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 विदाउट ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी की। जी हाँ गाइस, अगर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को लेकर मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। बट गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लेइंग 11 के बारे में। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी के बिना आरसीबी की प्लेइंग 11 कैसी होने वाली है, तो उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो आप लोग प्लीज एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब गाइस, हम बात करते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी के बारे में। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया था 2 वीक पहले, जहां पे बोला था ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने कहा है कि हम लोग आईपीएल खेलने के लिए किसी भी खिलाड़ी को नहीं रोके हैं। उनका मर्जी, अगर वो चाहे तो आईपीएल खेल सकते हैं, उनकी मर्जी अगर आईपीएल ना खेलना चाहे तो हम लोग फिर भी उन्हें बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करेंगे। लेकिन गाइस, यहां पे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा था कि हम लोग सभी खिलाड़ियों के बीच में एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही जाके बीसीसीआई को हम लोग जवाब देंगे कि हमारे खिलाड़ी जाएंगे या नहीं आईपीएल खेलने के लिए वही। तो गाइस, इसके रिगार्डिंग ये अपडेट निकल कर आ रही थी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से, एंड जहाँ पे कुछ ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने गाइस यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था। कुछ खिलाड़ियों ने कहा था कि अगर आईपीएल फिर से स्टार्ट होता है तो मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, और कुछ खिलाड़ियों ने गाइस यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर आईपीएल स्टार्ट होता भी है तो मैं यहाँ पे आईपीएल खेलने के लिए नहीं जाऊंगा। और ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के केन रिचर्डसन, एडम जंपा पहले ही अपना नाम वापस ले लिए थे, एंड वो आईपीएल को बीच में छोड़ के चले गए थे। टीम से बाहर नहीं हुए थे, बट सिर्फ टीम को छोड़ के चले गए थे वो अपने पर्सनल रीजन की वजह से। तो इसी वजह से गाइस, यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के लिए अभी मुसीबतें हैं। अगर उस मीटिंग में कुछ ऐसा फैसला आता है तो गाइस, यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को काफी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि गाइस उनके पास है ग्लेन मैक्सवेल, डेनियन सैम, उसके बाद डेन क्रिस्टन है, एडम जंपा है उनके पास। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को काफी बड़ा झटका लग सकता है, बट हम लोग उम्मीद करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, मीटिंग में सब कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स आए। तो गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी के बिना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 कैसी लग रही है हम सभी को? तो गाइस, यहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम एक बहुत बड़ा बदलाव यहां पे कर सकती है। जी हां, कर सकती है एक बहुत ही बड़ा बदलाव, वो है अपनी ओपनिंग जोड़ी में। जी हाँ, ओपनिंग जोड़ी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम फिन एलन को ला सकती है। फिन एलन के साथ देवदा पाडिकल को वो ओपनिंग करवा सकते हैं, क्योंकि फिन एलन के अगर करेंट फॉर्म देखें तो काफी कमाल का है। लगातार ये अच्छे करते आए हैं और अभी भी अच्छे कर रहे हैं। न्यूजीलैंड का एक खिलाड़ी है, काफी कमाल का परफॉर्मेंस कर रहा है। जोसु फिलिपी के रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे, एंड काफी कमाल की इनकी परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे देवदा पाडिकल के साथ यहाँ पे फिन एलन ओपनिंग करते हैं आप सभी को नजर आ सकते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 पे विराट कोहली, नंबर 4 पे एबी डिविलियर्स, नंबर 5 पे वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 6 पे शहबाज अहमद, नंबर 7 पे हर्षल पटेल, आपको एक खिलाड़ी यहाँ पे प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। मुझे पता है कि मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा वीक यहाँ पे हो जाएगा, एबी डिविलियर्स विराट कोहली के ऊपर फिर से यहाँ पे भार आ जाएगा। और गाइस, यहाँ पे अगर ग्लेन मैक्सवेल अवेलेबल नहीं रहते तो यहाँ पे फिर से जिम्मेदारी विराट कोहली एबी डिविलियर्स के ऊपर एक बार फिर से आ जाएगा। तो गाइस, अब हम बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। नंबर 8 पे आप सभी को नजर आने वाले हैं नवदीप सैनी, नंबर 9 पे नजर आने वाले हैं मोहम्मद सिराज, नंबर 10 पे नजर आने वाले काइल जेमिसन, नंबर 11 पे नजर आने वाले हैं युजवेंद्र चहल। तो गाइस, आप सभी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 में ये 11 खिलाड़ी यहाँ पे नजर आने वाले हैं, अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अवेलेबल नहीं रहते हैं तो। तो गाइस, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी के बिना आपको ये प्लेइंग 11 कैसी लगी, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और ऐसे में रिपोर्ट तो ऐसी है कि गाइस, यहाँ पे पूरा कन्फर्म है कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आप सभी को नजर आने वाले हैं। हाल ही में इनका भी रिपोर्ट आया था कि ये लोग भी नहीं आने वाले हैं, लेकिन जब से ये लोग यहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं तब से गाइस, यहाँ पे इनके बोर्ड भी इनको परमिशन दे दिए हैं। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पूरी तरीके से नजर आने वाले हैं, बट गाइस, यहां पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के ऊपर अभी भी मीटिंग होगी, उसके बाद ही रिपोर्ट फाइनल आएगी। तो गाइस, जैसे आएगी तो मैं आप सभी को बता दूंगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। और आपको प्लेइंग 11 कैसी लगी, आपके अकॉर्डिंग कैसी रहनी चाहिए प्लेइंग 11, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।